अउ्ज़बिल्लाजीम बिस्मिल्लाम हेलो वियरस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट कोर स्किल्स एंड इट्स कंपोनेंट टू मैनेज प्लानिंग एक्चुअली वो बच्चे जे जिनके अंदर डेफिशेंसी uh, होती है ऑफ मैनेजिंग टास्क एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टास्क वी टू हेल्प दम दट हाउ दे कैन अंडरस्टैंड द टास्क एंड हाउ दे कैन प्रपेयर देयर मेंटल एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज फॉर द प्रोजेक्ट क्योंकि प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा ईवेंट uh, होता है उसके अंदर छोटे छोटे कॉम्पोनेंट अगर हम uh, उसको अंडरस्टैंड कर लें और फिर उनको करने के लिए कुछ स्किल्स जो है ना वो ब्रुए कार लाएं वो बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है लेकिन बच्चों में ये सलाहियत कम होती है और उनको हमें इस काबिल बनाना होता है तो वो छोटे छोटे टास्क को पहले समझें फिर अपने उस बड़े प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए अपने आप को तैयार करें इसमें हम उनकी हेल्प ये कर सकते हैं कि उनके जो स्मालर टास्क हैं वो उनको बताएं उनको इंडिकेट करें और फिर उनको मैनेज करने के लिए उनकी मामत करें किसी तरह से और इसमें हम ये कर सकते हैं के वी टू हेल्प दैम टू मेक शॉर्ट डिसीजन स्मॉल डिसीजन डिसीजन क्या होता है कि वाट इज़ बेटर टू डू एट राइट टाइम एंड फॉर द स्पेसिफिक टाइम एंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ये एक डिसीजन है और ये छोटा सा डिसीजन है लेकिन यह है कि ये एक बहुत बड़ी सलाहियत है जो हमें बड़ी आ, सलाहियत की तरफ ले जाती है और उससे हम आ, अपने बड़े प्रोजेक्ट को मुकमल करने में खासी तकवीत महसूस करते हैं और इसमें हम बच्चों की ये हेल्प कर सकते हैं कि व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी हम उनको एंटिसिपेट करते हैं आने वाले वक्त में अगर आप इस बात को इसी तरह से करेंगे तो उसके ये ये खदशात हो सकते हैं ये ये कामयाबी हो सकती है खदशात ही बताना काफ़ी नहीं होता बल्कि यह है कि सक्सेस भी बताना ज़रूरी होता है एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द चाइल्ड टू रिकगनाइज अर्ली द थिंगस आर गोइंग टू बी डन और उसमें हम ये देखते हैं कि हम उनकी हेल्प करें कि हाउ वी कुरेक्टली मेयर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम एंड द स्पेसिफिक अकरेंस ऑफ दट इवेंट देंस ऑफ द टाइम इज ऑल्सो नीडेड टू अंडरस्टैंड और बच्चे ये सलाहियत उस तरह से नहीं रखते होते जिस तरह हम उनकी मदद कर सकते हैं बींग टीचर बींग पेरेंट्स और बींग एसोसिएट हम उनकी यकीन उसमें मुआवनत कर सकते हैं इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे फील करते हैं कि इफ द ट्रबल विल बी देयर हाउ दे विल द सिचुएशन और उसमें ट्रबल को शूट करने के लिए क्या प्रायोरिटीज होंगी किस चीज़ को हम पहले करें मैनेज करें ताकि प्रॉब्लम पैदा ही ना हो अगर प्रॉब्लम पैदा हो जाए तो फिर कौन सी चीज़ों को पहले मैनेज करने की जरूरत होती है तो उसमें हम उनकी हेल्प करते हैं टास्क uh, को जब हम छोटे छोटे चंक्स में छोटे छोटे स्मॉलर पीसेज में डिवाइड कर लेते हैं तो हमें आसानी हो जाती है कि हम उसको समझ लें कि कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है और uh, इसमें uh, मुख्तलिफ़ जो इम्पॉटेंट स्टेप्स हैं वो भी हम बच्चे को उससे आगाही देते हैं वट इज़ इम्पॉर्टेंट वट इज़ लेस इंपॉर्टेंट वट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड वट शुड बी डन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट कंप्लीशन और इसी तरह आ, हम प्रोडक्टिविटी की तरफ आ, बच्चे को ले जाना चाहते हैं कि वो एक नया काम और उसको आ, एक नई जहत के साथ मुकम्मल करें काम का सिर्फ मुकम्मल करना बी इज एप्रिशिएबल लेकिन मोर देन दैट इज डेट द चाइल्ड इज मेकिंग प्रोडक्टिव यूजफुल फॉर दी अदर्स एंड ऑल्सो इन अ न्यू वे बिकॉज एवरीबॉडी इज़ हैविंग एबिलिटी टू डू द थिंग्स इनोवेटिवली और इसमें हम ये देख लें हैं कि काम को जो बच्चे केयरलेसली करते हैं उनको हम केयर की तरफ तोज्जो दिलाते हैं और जो स्लो होते हैं उनको हम अपने काम को स्पीड अप करने के लिए उनकी मदद करते हैं कि वो अपनी छोटी छोटी सलाहियतों को और बेहतर बनाएं ताकि काम की रफ़्तार जो है ना वो भी बेहतर हो और टास्क को हम वक्त पर कंप्लीट भी कर सकें इसमें हम ये कर सकते हैं कि थिंकिंग आर डूइंग मोर देन वन थिंग एट ए टाइम एक वक्त में बहुत सारी चीज़ों को हम कर रहे होते हैं जैसे एक वक्त में हमने कुछ चीज़ें की और दूसरे टाइम में हमने उससे ज़्यादा चीज़ें करनी है उसको मैनेज करना उसका रिलेशनशिप डेवलप करना और इस बात का ख्याल रखना कि थिंग हैज़ बिन डन और इसी तरह बात हार्ड टाइम आ जाता है हार्ड टाइम से मराज यह है कि सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है हैज़र्ड कुछ चीज़ें आ जाती हैं दरमियान में अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज़ें करना पड़ती हैं या हो जाती हैं जैसे लाइट का चले जाना या फिर यह है कि मौसम की तब्दीली या इस तरह की चीज़ें हाउ वी टू कम्पेट विद द सिचुएशन और कुछ अन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका हमें तसवर भी नहीं होता उनको कैसे हम मीट करेंगे और इसी तरह ऐसी सूरत में उसका अल्टरनेटिव सोचना और फिर यह है कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ शिफ्ट हो जाना ताकि हम वक्त बचा सकें ये भी सेल्फ मैनेजमेंट को हेल्प आउट करने में एक बड़ा अहमदाम है और ये भी एक बहुत बड़ी स्केल है थैंक यू वेरी मच